गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि भारत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है और उनकी फैमिली को भी हुआ है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ होकर लौटें, और आपको भी मेरा यही सुझाव है कि आप जब भी बाहर निकलें हमेशा मास्क पहन कर रहें और समय अंतराल में साबुन से हाथ धोते रहें और कोरोना से अपनी सुरक्षा करें और घर पर बैठकर पढ़ाई करें। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में इम्यूनोलॉजी को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले 1888 में जॉर्ज न्यूटेल ने देखा कि एक शिप ब्लड सीरम में बैक्टीरिया को, जो एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करते हैं, उनको खत्म करने के लिए क्षमता, कुछ हल्की क्षमता होती है। लेकिन जब इस ब्लड को गर्म किया जाता है तो यह बैक्टीरिया को खत्म करने की क्षमता वो ब्लड खो देता है। 1891 में हैंस अर्नस्ट अगस्त बुकनर ने यह नोटिस किया कि ये जो ब्लड की प्रॉपर्टी है वो उन्होंने भी देखा और उन्होंने इस किलिंग प्रॉपर्टी को एलेक्सिन नाम दिया और इसका अर्थ ग्रीक भाषा में टू वार्ड ऑफ होता है, मतलब बाहर करना। इसके पश्चात जूल्स बॉर्डेट एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे जो पास्टर इंस्टीट्यूट फ्रांस पेरिस में कार्य कर रहे थे। उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि जो ब्लड में जो सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक हीट स्टेबल होते हैं जो कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने का कार्य करते हैं, और दूसरे हीट सेंसिटिव होते हैं जो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। वो नॉर्मल इम्यूनिटी देने के लिए कार्य करते हैं। 1899 में पॉल एहरलिच ने इन हीट सेंसिटिव कंपोनेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट शब्द का प्रयोग किया। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम कॉम्प्लीमेंट कास्केड के नाम से भी जानते हैं और यह ऑर्गेनिज्म में इननेट इम्यून सिस्टम, जो जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है, उसका एक भाग होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम स्मॉल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इन स्मॉल प्रोटीन का निर्माण लीवर में हिपेटोसाइट सेल्स के द्वारा होता है और ये ब्लड में इनएक्टिव प्रीकर्सर के रूप में सर्कुलेट होते हैं और बाद में एक्टिवेट होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स फेगोसाइट सेल्स तथा एंटीबॉडीज, जो शरीर की सुरक्षा करती हैं माइक्रोब से, तथा डैमेज्ड सेल्स को खत्म करने का कार्य करती हैं, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में लगभग 30 प्रकार के प्रोटीन्स तथा प्रोटीन फ्रैगमेंट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का निर्माण करते हैं, और इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हम सीरम में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, इसी के साथ में मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होते हैं उनको भी शामिल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने का कार्य करते हैं, और ये किस प्रकार से करते हैं ये हम देखते हैं। जब भी कोई सेल्स फेगोसाइटोसिस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑप्सोनाइजिंग एक्टिविटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन्फ्लेमेशन में ये मैक्रोफेज तथा न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं। मेम्ब्रेन अटैक में
जब एक्सेल्स बैक्टीरिया जब बॉडी पर अटैक करता है तो उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करने के लिए भी ये एक्टिव रूप से कार्य करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आर सिंथेसाइज्ड बाय हेपेटोसाइट। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि लीवर में इनका निर्माण होता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं वो तीन तरीकों से फेगोसाइटोसिस या एंटीबॉडीज की एक्टिविटी को तीन तरीकों से एनहेंस करते हैं या बढ़ाते हैं। सबसे पहला रास्ता या पाथवे उसका नाम है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। इस पाथवे में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बनने की आवश्यकता होती है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। अल्टरनेटिव पाथवे में केवल C3 कंपोनेंट C3 के हाइड्रोलाइसिस या फॉरेन मटेरियल के बॉडी में प्रवेश करने, पैथोजन के बॉडी में प्रवेश करने या डैमेज्ड सेल का पता चलते ही अल्टरनेटिव पाथवे के द्वारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। तीसरा तरीका मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे बोला जाता है। इस तरीके में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C3 के हाइड्रोलाइज होने या एंटीजन्स बिना किसी एंटीबॉडी की प्रेजेंस के एंटीजन्स के बॉडी में प्रवेश करने पर भी ये एक्टिव हो जाते हैं तथा हमारे शरीर में रोगजनक कारकों को खत्म करने वाली जो ब्लड सेल्स है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, किलर सेल्स, इन सभी सेल्स की कार्यक्षमता को बढ़ाने का कार्य कॉम्प्लीमेंट सिस्टम द्वारा किया जाता है। थैंक यू।